हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 11 जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार ये जो है वो चैप्टर 11 है। तो इसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे किससे, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4 उसको हम कवर अप करेंगे, और बेसिकली इस चैप्टर में से बोर्ड में 3 मार्क के क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज से है, 11.7, एक्सरसाइज 11.7 का है। इसमें क्या करना है, गिव दी स्ट्रक्चर एंड आईपीएसी नेम, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम देना है मोनोहाइड्रिक फिनॉल का, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम देना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 है। इसमें जो सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो बनेगा वो है 2-methylphenol, और दूसरा जो है वो है 3-methylphenol, और थर्ड वन जो है वो 4-methylphenol है। तो ये जो है, ये है क्या है, स्ट्रक्चर है मोनोहाइड्रिक फिनॉल का। उसके बाद एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 11.15 है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन मिथॉक्सीफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो मोर एसिडिक क्यों होता है मिथॉक्सीफिनॉल से। तो सबसे पहले आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें ओ नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, और साथ ही ड्रॉ करेंगे ओ मिथॉक्सीफिनॉल का। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन दी ऑर्थो पोजिशन, और जो जब इसका जो ऑर्थो पोजीशन पे जब ये ग्रुप प्रेजेंस रहता है तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ओएच, ओएच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के चलते इट इज़ ईजियर टू लॉस द प्रोटोन। और इसलिए जब डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो प्रोटोन का लॉस बहुत ही ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है प्रोटोन का लॉस। ऑल्सो ए ओ नाइट्रोफिनोक्साइड आयन इज फॉर्मेड, और ओ नाइट्रोफिनोक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन होता है आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन। इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, हेंस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी के कारण जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद आते ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सी ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो CH3, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। दस, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन OH ग्रुप, और OH ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड हेंस द प्रोटोन कैन नॉट गिव गिवन आउट ईजिली, और इसी के कारण जो प्रोटोन होता है वो ईजिली नहीं निकलता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता है। फॉर दिस रीजन, इस रीजन से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोफिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से। और यहाँ पे आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो, पूरा इसमें एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद जो NCERT की क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की है 11.11, इसमें क्या करना है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथेन। इसमें क्या करना है, हमें मैकेनिज्म लिखना है हाइड्रेशन ऑफ इथेन टू एल्ड इथेनॉल। तो द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथेन टू फॉर्म इथेनॉल इन्वॉल्व 3 स्टेप। पहला स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ इथेन होता है टू फॉर्म ए कार्बोकेटायन। प्रोटोनेशन ऑफ इथेन से क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन। किससे, इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन H3O+ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि
H2O है, H2O का रिएक्शन जब हम H प्लस से कराते हैं तो H3O का फॉर्मेशन होता है, और ये इथेन है, इथेन का जब हम रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन जब हम इथेन से कराते हैं तो हमें कार्बोकेटायन मिलता है। ये स्टेप वन हुआ। उसके बाद स्टेप टू रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होता है वाटर का कार्बोकेटायन पर, ये कार्बोकेटायन है और ये वाटर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और ये सी प्लस है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पोलराइज होने के कारण इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेप में, तीसरा स्टेप में डीप प्रोटोनेशन होता है टू फॉर्म इथेनॉल, और डीप प्रोटोनेशन से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो इस केस में क्या हो रहा है, डीप प्रोटोनेशन हो रहा है और फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.18 है, जो कि NCERT की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विथ एग्जांपल, हमें एग्जांपल से करना है। सबसे पहला कोलवे रिएक्शन, रीमैन टीमैन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अनसिमेट्रिक ईथर। तो सबसे पहला जो है कोलवेज रिएक्शन है। कोलवे रिएक्शन में क्या होता है, फिनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, फिनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ NOH। जब हम NOH, फिनॉल का रिएक्शन NOH के साथ कराते हैं तो फिनोक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो जो NOH होता है वो मोर रिएक्टिव होता है फिनॉल से टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, हेंस इट अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ वीक बेस विथ इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ। तो इस केस में क्या होता है कि फिनॉल ये है और फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं हम NOH और CO2। CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम सोडियम सिलेट का फॉर्मेशन होता है, और जब इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, जब हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हम सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये है सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद आता है रीमैन टीमैन रिएक्शन। तो रीमैन टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास फिनॉल है और इस फिनॉल का रिएक्शन हम जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NOH तो हमें 2-hydroxybenzaldehyde मिलता है, और इसी को हम कहते हैं सिसैल्डिहाइड। उसके बाद आता है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, और ये इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट सोडियम अल्कोऑक्साइड, और इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को हम अलाउ करते हैं रिएक्ट करने के लिए सोडियम अल्कोऑक्साइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोडियम अल्कोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ROH का यानी अल्कोहल का जब हम रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं तो हमें जो मिलता है ये मिलता है सोडियम अल्कोऑक्साइड मिलता है। अब इस सोडियम अल्कोऑक्साइड का रिएक्शन जब हम RX से कराएंगे तब हमें जो मिलता है वो ईथर मिलता है, और इस केस में जो ईथर होता है सिमेट्रिक भी मिल सकता है या अनसिमेट्रिक ईथर भी मिल सकता है। सिमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम सेम रहेंगे। उसके बाद आता है अनसिमेट्रिक। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारे पास RX है यानी अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड का जब सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो ईथर का फॉर्मेशन हुआ, और इस केस में ईथर जो हो सकता है सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक दोनों हो सकता है। उसके बाद आते हैं अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है। एंड अनसिमेट्रिक ईथर इज एन ईथर वेयर टू ग्रुप ऑन द टू साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफर। तो अनसिमेट्रिक में क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो कार्बन के एटम होते हैं वो अनइक्वल होंगे यानी डिफर हैं करेंगे, तो इसको हम अनसिमेट्रिक ईथर कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।